हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट के वीडियो में हम दोबारा देखने जा रहे हैं जी मेन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर ऑसिलेशंस एंड वेव से है, यानी कि SHM से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन से बोला क्या गया है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन ए फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट विल बी, ऑप्शन हमारे पास दे रखे फाइनाइट, इनफाइनाइट, जीरो और ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है इनफिनिट। अब ये इनफिनिट आंसर आया कैसे, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर हम बे सिंपल फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट हो, या फिर कोई और केस हो जिसमें लिफ्ट में ही हो सिंपल पेंडुलम, तो वहाँ पर हमसे अगर टाइम पीरियड की बात की गई हो तो हम कैसे उसको अप्रोच करेंगे और कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे और अपना सही आंसर लेके आएंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन में डिटेल्स दे रखी है उनको हम लिख लेते हैं, और जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसको भी लिख लेते हैं, और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तुमसे सिंपल बात की गई है। क्या बात की गई है, हमसे पूछा गया है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। भैया सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें बता दो इन ए फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट। एक फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट है उसमें हमें टाइम पीरियड बता दो सिंपल पेंडुलम का, कि लिफ्ट में भैया सिंपल पेंडुलम रखी हुई है और जो पूरी लिफ्ट है ना वो पूरी लिफ्ट ही फ्री फॉल कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल देखूं, देखिए बस ये सिंपल पेंडुलम, ठीक है, इस तरह से ये बॉब होती है इसकी, क्या बॉब, और ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक लेकर, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होता है COM, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है वो L होती है। ठीक है, इसका हमने टाइम पीरियड मान लिया लेट्स से T। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G, इस पे G नीचे लगता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब क्या हुआ, लिफ्ट में तो ये थी अब भी थी, ठीक है, किसी न किसी बॉक्स में थी, तो मैंने वो बॉक्स क्या है लिफ्ट ही मान लिया। ठीक है, और ये इसकी जो सीलिंग है वो इससे अटैच है, ध्यान रखना, ये इस तरह से अटैच है। अब क्या हुआ, अब कुछ टाइम बाद हमने क्या किया, इस लिफ्ट को जो लिफ्ट में ये लगी हुई है लटकी हुई है ये बॉब, पूरे सिंपल पेंडुलम को जो सिस्टम में लटका हुआ है इस तरह से, देखिए अब यहाँ पर ये अटैच है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर, और इसमें ये बॉब लटकी हुई थी, सेम है बिल्कुल, कोई भी लेंथ में फर्क नहीं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, लेंथ बिल्कुल चेंज नहीं हुई अभी तक। अब यहाँ पर ये बॉब तो है ही है, ठीक है, और यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड है डैश हो जाएगा यहाँ पर, और ये जी अभी इस पर नीचे लग रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये जी नहीं लगेगा, यहाँ पर अब ये क्या केस कर रहा है, फ्रीली फॉल का केस कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रही है, पूरी जो लिफ्ट है ना वो ही फ्रीली फॉल कर रही है, ये पूरी लिफ्ट है, ये बस क्या है पूरा बॉक्स क्या है लिफ्ट है। पहले क्या था, पहले इसमें कुछ भी नहीं था तो फ्रीली फॉल हो ही नहीं रहा था, तो इसका जो एक्सेलरेशन था लिफ्ट का वो क्या था, जीरो। लेकिन अब क्या होगा, फ्रीली फॉल कर रही है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया इस पर कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, ये नीचे अभी तक किस पे थी, ग्राउंड पे थी यहाँ पर लिफ्ट, अगर आप नोटिस करें, लेकिन यहाँ पर कोई ग्राउंड पे नहीं है, हमने क्या किया है इसको ऊपर से हमने क्या किया है रिलीज कर दिया है, कोई भी इस पे फोर्स नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाई। जब ये हम इसको रिलीज करेंगे हवा में, खुली हवा में ऊपर से किसी भी बिल्डिंग से, तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये फ्रीली फॉल की स्टेट में जाएगी, और फ्रीली फॉल में हमारे पास क्या होता है, जो जी इफेक्टिव होता है, जो हमारे पास इसमें नीचे लगेगा जी इफेक्टिव, मैं इसको जी इफेक्टिव कह रहा हूँ, और ये मेरे पास हो जाता है यहाँ पर जीरो। एक्सेलरेशन इन फ्री फॉल इज इक्वल टू जीरो, अगर आपको ये बात पता थी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से अप्रोच कर सकते थे। ध्यान रखना है वर्टिकल डायरेक्शन की बता रहा हूँ, ठीक है, वर्टिकल में बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें मैंने एक्सेलरेशन को जीरो किया है, क्योंकि देखिए ना तो लिफ्ट हमारे पास वर्टिकली जा रही ना ही हॉरिजॉन्टली जा रही, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नोटिस कराऊँ आपको बताऊँ तो यहाँ पर वर्टिकल हमारे पास क्या है जी इफेक्टिव जीरो है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो क्या आपको समझ आ रहा है, टी मैंने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके एल के, और टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके जी के, ये था ना अंडर रूट ऑफ एल और अंडर रूट ऑफ जी, ये था बिल्कुल था। ठीक है, तो अगर आप ऐसे नोटिस करें हमें देखना जी इफेक्टिव, क्योंकि देखिए लेंथ में तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि फ्रीली फॉल है तो क्या हुआ पूरा सिस्टम ही तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, इस सिस्टम में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं ऐसे क्या कमेंट कर सकता हूँ कि जो टी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके अंडर रूट ऑफ जी इफेक्टिव के, टी डैश होगा जो टी डैश है इसका। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं देखूँ तो टी डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/0, क्योंकि जी इफेक्टिव में बस हो गया जीरो। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो टी डैश है ना वो क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, टी डैश टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, इनफाइनाइट आंसर आ गया इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन अप्रोच करना था, आई होप इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छी समझ आ गया होगा। लेकिन अगर इसकी बातें अगर आपके लिए नहीं होता है
तो आप इस वीडियो के नीचे आगे मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका जो भी डाउट होगा उसका एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं सोल्यूशन मैंने आपसे डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको बड़ा एक छोटा काम करना है, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन चले जाना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय टाटा।